हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलाइट क्लब में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं क्या हम नॉर्मल इन्वर्टर और नॉर्मल बैटरी के जगह पे सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी लगा ले और बाद में हम सोलर पैनल लगाए तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोगों का डाउट था। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल इन्वर्टर और नॉर्मल बैटरी कैसे काम करता है और सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी कैसे काम करता है। जैसे कि नॉर्मल इन्वर्टर और नॉर्मल बैटरी है तो वो स्लोली चार्ज करने के लिए बना होता है, ठीक है। वो स्लोली चार्ज करता है और इन्वर्टर भी स्लोली चार्ज करता है और बैटरी भी स्लोली चार्ज होता है। अगर बात करें सोलर बैटरी का, तो सोलर बैटरी फास्टली चार्ज लेने के लिए बना होता है और सोलर इन्वर्टर फास्टली चार्ज देने के लिए बना होता है। लेकिन अगर बात करें कि क्या हम सोलर बैटरी और सोलर इन्वर्टर को जोड़ लें और वो इन्वर्टर बिना पैनल के सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करेगा। आप पैनल लगाओ कि ना लगाओ, आपका इन्वर्टर और आपका बैटरी सपोर्ट करेगा। क्योंकि इन्वर्टर में क्या होता है, पैनल अगर लगा भी देते हो तो वो पैनल सिर्फ दिन में काम कर रहा होता है, रात में तो काम कर नहीं होता है। रात में आपका पैनल तो एनर्जी देगा नहीं, तो उस केस में क्या हो, तब भी तो आपका इन्वर्टर काम कर रहा होता है। तो इसलिए इन्वर्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैनल लगाए हो कि नहीं लगाए हो। लेकिन उस इन्वर्टर पे अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी जुड़ा हुआ है, देन आपका जो इन्वर्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और आपको देगा। चाहे आप सोलर ही नहीं, आप मेन मतलब गवर्नमेंट का बिजली, तो गवर्नमेंट का बिजली भी अगर नहीं लोगे तब भी आपका इन्वर्टर जो है बैटरी से करंट लेके आपको घर में देगा। इस टॉपिक पे तो मैं एग्जांपल प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया हूँ। जी हाँ, आपने देखा भी होगा कि मैंने ऐसे भी प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाया है कि बिना सोलर पैनल के, बिना मेन लाइट के, सिर्फ इन्वर्टर और बैटरी को कनेक्शन करके आपको दिखाया कि उस पर हम काम कर सकते हैं, वो भी सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। नॉर्मल का बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी को कनेक्शन करके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके भी आपको मैं दिखाया हूँ। उससे हम लोग लोड चला के भी मैंने आपको दिखाया है कि बिना सोलर पैनल के। तो जी हाँ, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, देन मैंने इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाने का सोचा था और वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि बिना सोलर पैनल के भी आपका इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, बैटरी से लेके, मतलब सोलर बैटरी से लेके आपको घर में देगा। तो अगर आप, क्या ये भी डाउट होगा तो होता है बाद में कुछ लोगों का ये कि बाद में हम सोलर पैनल उस पर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो हाँ, आप बाद में भी सोलर पैनल लगा सकते हो। आप नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा, बाद में लगाओ तब भी चलेगा। मतलब बाद में आप भी, आप उस इन्वर्टर पे सोलर पैनल कनेक्शन कर सकते हो, आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो। आप पीछे जो आप देखोगे, सिंपली बहुत सिंपल कनेक्शन होता है, पीछे आपका लगा हुआ वहाँ लिखा हुआ रहता है सोलर पैनल कनेक्शन, और निगेटिव एंड पॉजिटिव वहाँ पर लिखा रहता है। देन आप सोलर पैनल का वायर लाओ और वहाँ पर कनेक्शन कर लो, कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक साल बाद, दो साल बाद, आपका जब तक इन्वर्टर काम करेगा, जब तक आपका बैटरी काम करेगा, उस पर आप सोलर पैनल कभी भी लगा सकते हो, किसी भी टाइम में लगा सकते हो। लेकिन हाँ, उस टाइम आप क्या करोगे, बैटरी इन्वर्टर को बंद कर दोगे, बैटरी कनेक्शन खोलोगे, पैनल लगाओगे, लास्ट में आप बैटरी को लगाओगे। कनेक्शन का तरीका ये होता है, बैटरी को सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में लगाया जाता है। तो ये तरीका होता है हम इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन अगर आप देखना चाहते हो, इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हो, तो इस पर भी मैंने स्पेशली बहुत सारे वीडियो पहले ही अपलोड कर रखे हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप सोलर इन्वर्टर पे सोलर बैटरी लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। तो लगा सकते हो, वो भी बिना पैनल के, पैनल आप बाद में भी लगा सकते हो। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।